फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरले शिक्षा वैनिता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास एट्थ की हिंदी जो हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें है हमारी बसंत भाग थ्री। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सके। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास एट का बसंत भाग थ्री का चैप्टर नंबर 11। इससे पहले हम 10 चैप्टर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और इवन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसे हम बात करते हैं हिंदी की विधा की, दो विधा हैं गद्य और पद्य। जो पद्य विधा होती है बच्चा, उसमें हम कविताएँ और मतलब छंद समय ये सब पढ़ते हैं। वहीं बात करते हैं गद्य विधा की, तो गद्य विधा में हम क्या पढ़ते हैं, लेख, कहानी, उपन्यास, संस्मरण ये सब। तो बच्चा, ये जो हमारा चैप्टर है पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अब देखो ऐसा लगे ना, सिनेमा ने बोलना सीखा, बात करेंगे इसमें क्या है। लेकिन जो लिखा है बच्चा, वो तिवारी जी ने लिखा है, ठीक है, प्रदीप तिवारी जी हैं लेखक, उन्होंने लिखा है। और बच्चा, ये जो गद्य विधा है ये संस्मरण है। अब संस्मरण क्या होता है, अपनी यादों में से कुछ खोद के निकाल के लिखना, उसको बोलते हैं संस्मरण। तो बच्चा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो क्या था बच्चा, जब मतलब अगर हम 1931 या 30 से पहले चले जाएँ, ठीक है, तो सॉरी 1931 से पहले की तारीख में जाएंगे, तब वहाँ पे क्या था, फिल्में तो बनती थी, नाटक भी बनते थे, सब कुछ बनता था, लेकिन उसमें बोल चाल की भाषा नहीं होती थी। उसमें सिर्फ हाव भाव, चलना फिरना ये सब दिखाया था, मतलब मूक भाषा बोल रहे हैं कि अमूक भाषा की फिल्में बनती थी, मूक भाषा की फिल्में नहीं बनती थी, मतलब आवाज़ ही नहीं था, या बोल देते हैं टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आवाज़ को कैसे लाया जाए, है ना। तो ये सब था, तो उसमें यही देखेंगे कि कौन कौन सी परेशानियाँ आई, कौन कौन सी मतलब चुनौतियाँ आई जिनका सामना करना पड़ा, और कब वो तारीख थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा, मतलब जब हमारे सामने जो मूवी हैं, जो फिल्म आती हैं, उसमें हमारी आवाज़ आई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, इनको बोलते बातें करते देखो। अब मतलब क्या बोल रहे हैं, सब सजीव हैं, सब सांस भी ले रहे हैं, 100% बोल भी रहे हैं। देश की पहली स्वाक बोलती फिल्म आलमारा, तो बच्चा पहली जो फिल्म थी बोलती फिल्म वो कौन सी थी, आलमारा, आपको याद रखना है। के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, तो बच्चा अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये पंक्तियाँ किस पे लिखी हुई हैं, जैसे मैंने बोला वे सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, तो ये किस पे लिखी है, विज्ञापन पे लिखी हुई हैं, ठीक है, जो मतलब मूवी है ना उसकी हेडलाइन पे लिखी हुई हैं ये। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा, मतलब पहली मूवी जो आई थी आलमारा, वो 14 मार्च 1931 को आई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही लैंग्वेज में बनी थी, अलग अलग लैंग्वेज में बनी थी ना, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। मतलब हम इससे बोल सकते हैं कि जो हमारी बोलती सिनेमा का दौर था वो शुरू हो चुका था, पहले की तरह अमूक फिल्में नहीं थी। पहली बोलती फिल्म आलमारा बनाने वाले फिल्मकार थे आदर्श एम ईरानी, तो नाम याद रखना है। आदेश ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो वॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। मतलब आइडिया हमारे कहाँ से आते हैं, जब हम कुछ देखते हैं तभी हमारे आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो हमारे जो निर्देशक हैं उनको भी आइडिया आया जब उन्होंने हॉलीवुड मूवी देखी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, मतलब उस पूरी स्टोरी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, मतलब कुछ में बदलाव करें कुछ में बदलाव नहीं करें। एक इंटरव्यू में आदेश ने उस वक्त कहा, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, संवाद लेखक मतलब जो डायलॉग लिख सके, है ना। लिखा, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की ज़रूरत होनी थी, मतलब ये सब होने थे। आज की फिल्मों में तो देखो प्रोड्यूसर होता है ना, सिंगर होते हैं, सब होते हैं हमारे पास। आदेश ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी, मतलब उसने खुद ही धुनें बनाई, उसने दो चुन भी ले कि हमें कौन सी फिल्मों में डालना है। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया, तो ये भी याद रखना है, सिर्फ 3 ही हमारे पास वाद्य यंत्र थे, हारमोनियम, तबला और वायलिन। आलमारा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने WM खान, तो याद रखना ये भी। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे,
अगर देने की ताकत है, तो ये गाना था बच्चा जो पहली मतलब मूक भाषा की फिल्म में गाया गया था। आला मरण का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और साउंड के कारण ही शूटिंग रात में करनी पड़ी थी, मतलब जो शूटिंग थी मतलब साउंड के कारण ही वो रात को ही पूरी करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतम फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आला मारा की शूटिंग रात में होने के कारण उसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। मतलब जो फिल्में सुबह कर लेते थे उसके लिए तो मतलब रोशनी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो फिल्में हमें रात में बनानी होती थी तो उसके लिए हमें प्रॉपर लाइट की जरूरत होती है। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आला मारा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन को तो दिए ही। आदर्शन की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के 150 से अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई, मतलब इतनी सारी उन्होंने फिल्में बनाई। आला मारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। आला मारा हिंदू उर्दू मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, मतलब जैसे जैसे बोलती लैंग्वेज में फिल्म आती गई वैसे वैसे वो लैंग्वेज क्या होती गई डेवलप होती गई, है ना। संगीत ये और संस्मरण है वो याद कर रहे हैं हमारे प्रदीप तिवारी जी और बता रहे हैं, है ना। इसमें गीत संगीत नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, कौन थी बच्चा? जुबेदा, याद रखना है। आला मारा की जो हीरोइन थी वो कौन थी? जुबेदा, और जो नायक थे वो विट्ठल थे। वे इस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनताना पाने वाले, उनकी जो इनकम थी बहुत ज़्यादा थी। उनके चयन को लेकर भी किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी इसलिए उसके तौर पर उनको क्या बना दिया गया, जो महबूब था उनको नायक बना दिया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए मुकदमे में, मतलब ये बता रहे हैं उनको चुनौतियाँ भी थी कि उनको उर्दू बोलने नहीं आती थी तो इसके कारण उनको महबूब को उनको एक्टर बना दिया गया, और जो विट्ठल जी थे वो हमारे कहाँ चले गए, अपना हक पाने के लिए मुकदमे में चले गए, है ना। उस दौर में उसका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने, मतलब इस तरह वो फिल्म के नायक बने, नहीं तो उससे पहले महबूब जी आ रहे थे। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों के वे लंबे समय तक नायक स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आला मारा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, मतलब ये छोटे छोटे नेता थे जो आगे चल के बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया, है ना। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजिस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, मतलब एक होता है ना जैसे बाहुबली की मूवी ले लो, तो बाहुबली जब आती है ना आई थी तो मतलब महीनों चलती रही थी मूवी, है ना, ऐसी हाउसफुल चली वो 8 सप्ताह तक। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहली बोलती फिल्म थी और लोगों को ये जादू लग रहा था कि वाह फिल्म में लोग बोल भी रहे हैं। समीक्षाओं ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था, मतलब 4 महीने लगे थे इसको बनाने में। लिए स्वाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के लिए नाटक, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में बनी, मतलब जो समाज में समस्याएं थी उनको भी लेकर फिल्में बनी। ऐसे ही विकल्प थी खुदा की शान, एक मूवी थी, इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण स्वाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासन की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो मतलब उससे हम 1931 की बात कर रहे हैं और तब हमारा देश क्या था, अंग्रेज़ों के गुलाम था, और उन्होंने जब खुदा की शान जो मूवी बनाई उसमें एक कैरेक्टर ऐसा था जैसे हमारे महात्मा गांधी, तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई, है ना। लिखा स्वाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक आदर्शन इतने विनम्र थे, मतलब इतने पोलाइट थे। जब 1956 में आला मारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें भारतीय फिल्मों का पिता कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय फिल्मों का पिता। उन्होंने उस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से को ज़रूरी योगदान दिया है। मतलब ऐसे ये होती है बच्चा एक प्रतिष्ठित और बड़े व्यक्ति की पहचान, है ना, जो क्रेडिट होते हुए भी अपना क्रेडिट लेने के लिए मना कर दे और अपना उसमें क्या समझे, अपना योगदान कहें। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्री की ज़रूरत भी हुई, क्योंकि बच्चा पहले मूक भाषा बनती थी तो हमें तो लैंग्वेज और मतलब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन जब बोलने वाली फिल्म बन गई तो हमें ये ज़रूरी हो गया था कि जो नायक नायिका है वो पढ़े लिखे हों, क्योंकि आप संवाद भी बोलने थे, मतलब डायलॉग भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलना, मतलब सिर्फ एक्टिंग से काम चलने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था।
अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा भी कद्र में भी होनी थी। इसलिए आलामारंग के बाद आरंभिक स्वाग दौरों की फिल्मों में कई नायक गायक अभिनेता बड़े पर्दों पर नजर आने लगे। मतलब उनको गायक की भी जरूरत पड़ी क्योंकि गाना भी गाना था। बैकग्राउंड म्यूजिक देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना ना। हिंदू उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। अब जो लैंग्वेज उस टाइम प्रचलित थी उन्हीं लैंग्वेज फिल्में बनाई गई ताकि लोगों को समझ आ सके। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिल हुआ। मतलब पहले क्या होता था, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वही काम कर दिया करती थी, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे जो आम जन बोलचाल की भाषा थी वो भी हुई। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, इस तरह की नई आज़ादी थी। इसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोक, मतलब एक होता ना जैसे हम तेरे नाम मूवी देख लें तो जिसमें सलमान खान के बाल ऐसे होते हैं, है ना। गजनी मूवी देख लें तो उसके बाद जो हमारे आमिर खान जी उनके बाल ऐसे होते हैं, तो सेम हमारा रूटीन में एक आ जाती है वो चीज़। तो सेम वहीं पर बात कर रहे हैं, जो माधुरी वहाँ पर हीरोइन थी, सुलोचना हेयर स्टाइल की थी, तो वो लोकप्रिय हुए। देखिए, औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आदर्शित ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकार ने भी अभिनय किया। मतलब ईरानी कलाकार भी आए। सुमे आलामारा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा, पश्चिम एशिया में पसंद की गई। मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई मूवी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाग फिल्म का के जनक आदर्शित ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो बच्चा ये था हमारा एक सिनेमा ने जब बोलना सीखा, तो पहली मूवी कौन सी थी, आलामारा, कब बनी, 14 मार्च 1931 को। इसके हीरो थे हमारे विट्ठल जी, हीरोइन थी हमारी, हीरोइन का नाम देख लेना जुनेबा था, है ना, हाँ भी देख लेते हम, है ना, जुबेदा था, सॉरी, है ना। और इसको मतलब काफ़ी प्रतिष्ठा मिली उस टाइम, हमारे लोगों को रोज़गार भी मिला, क्योंकि पहले तो सिर्फ अभी बॉडी लैंग्वेज से काम हो जाया करता था, लेकिन अब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं कर रही थी। बच्चा ये थी हमारी संस्मरण पार्ट 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और अगर